स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथी, जैसा कि हम जानते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं उनका जो प्रोफेशन होता है वो बेहद ही मुश्किल प्रोफेशन होता है, जिसमें डॉक्टर के ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि एक डॉक्टर की जरा सी लापरवाही से किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। और ऐसे में अगर डॉक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना समझे, इलाज के दौरान लापरवाही बरते या फिर मेडिकल जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो ना करें, तो इसे मेडिकल नेग्लिजेंस कहा जाता है, जो कि एक गंभीर अपराध होता है, जिसके लिए उस डॉक्टर को सजा तो हो ही सकती है, साथ ही जो पीड़ित और जो पीड़ित के परिवार वाले हैं वो इसके लिए मुआवजा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज की जानकारी में हम इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे कि मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होता है, कितने प्रकार से होता है, और ऐसे में जो मरीज है, जो पीड़ित मरीज होता है, उसके क्या क्या अधिकार होते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो साथियों, मेडिकल नेग्लिजेंस की बात करें तो अगर डॉक्टर अपनी मेडिकल ड्यूटीज, जो उनके मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करते हैं, जैसे बीमारी को सही से डायग्नोस ना करना, ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतना, गलत दवा का देना या दवा देने में लापरवाही बरतना, रोगी को इन्फेक्टेड एरिया में रखना या इस प्रकार से रखना जिससे उसे इन्फेक्शन का खतरा हो जाए, किसी भी ट्रीटमेंट या ऑपरेशन के जो कॉम्प्लिकेशन है उसको मरीज को सही से ना बताना, उस ट्रीटमेंट के अच्छे या बुरे प्रभावों से मरीज को अवगत ना करा पाना, या फिर मरीज को ऑपरेशन के बाद प्रॉपर केयर कॉशन ना देना, ऐसी किसी भी स्थिति को मेडिकल नेग्लिजेंस कहा जाता है। और ऐसे में अगर डॉक्टर के साथ साथ नर्स या हॉस्पिटल के किसी भी स्टाफ की गलती होती है तो उन सभी को इसके लिए विकेरियसली लाइबल किया जा सकता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा इलाज के दौरान अगर लापरवाही बरती जाती है तो इसके लिए हॉस्पिटल भी जिम्मेदार होगा। महाराजा अग्रसेन अस्पताल वर्सेस मास्टर ऋषभ शर्मा के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा अगर इलाज के दौरान कोई लापरवाही बरती जाती है तो इसके लिए हॉस्पिटल भी जिम्मेदार होगा। इस मामले में डॉक्टर ने एक प्री मैच्योर बेबी के जो ROP रेटिनोपैथी का जो टेस्ट होता है, जो अनिवार्य टेस्ट होता है प्री मैच्योर बेबी का, तो उसे नहीं किया था, जिस कारण वो बच्चा अंधा हो गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए डॉक्टर और हॉस्पिटल को दोषी ठहराते हुए वो जो पीड़ित परिवार था उसे 75 लाख रुपए का मुआवजा भी दिलाया था। तो साथियों, अब आप मेडिकल नेग्लिजेंस को तो समझ ही गए होंगे, तो चलिए अब बात करते हैं कि ऐसे में जो पीड़ित मरीज होते हैं उनके क्या क्या अधिकार होते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो ऐसी किसी भी स्थिति में जहां मेडिकल नेग्लिजेंस के दौरान जो मरीज है उसे नुकसान पहुंचा हो या फिर मरीज की मौत हो जाए, तो पीड़ित या पीड़ित के परिवार वालों को चाहिए कि वह इस अपराध के खिलाफ अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करें, FIR दर्ज करवाएं। और साथियों, अगर ऐसे में पुलिस आपकी शिकायत ना ले, आपकी FIR लिखने में आनाकानी करे, तो आपको चाहिए कि आप इसकी लिखित कंप्लेंट हायर अथॉरिटी SP, SSP, CP या ACP को दे दें, या आप सीधे ही कोर्ट में इसका कंप्लेंट केस भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो डॉक्टर्स को लाइसेंस देती है, उसको भी इसकी शिकायत करें और इसकी एक कॉपी अपने स्टेट मेडिकल काउंसिल को भी जरूर दें। तो साथियों, इन अलग अलग तरीकों से शिकायत कैसे की जाती है, इन पर हम वीडियो आपके साथ पहले ही साझा कर चुके हैं, लिंक उनका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो साथियों, जब आप डॉक्टर के खिलाफ शिकायत कर देते हैं तो उसके बाद आरोपी डॉक्टर के ऊपर IPC की जो धाराएं होती है 304A, 337, 338 या जो मरीज को जिस प्रकार का नुकसान हुआ है उनकी अलग अलग धाराओं के ऊपर उस डॉक्टर के ऊपर कार्यवाही होती है, और आरोप सिद्ध होने पर डॉक्टर को जेल और जुर्माना दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। तो साथियों, ये तो थे पीड़ित के अधिकार आरोपी डॉक्टर को सजा दिलवाने के। तो चलिए अब बात करते हैं जो पीड़ित मरीज होता है या पीड़ित मरीज के परिवार वाले होते हैं उनको जो इस दौरान नुकसान होता है उसका हर्जाना कंपनसेशन वो कैसे मांग सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेडिकल सर्विस होती है वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही आती है, तो इस दौरान अगर आपको कोई भी नुकसान होता है तो आप इसका हर्जाना कंज्यूमर फॉर्म में कंप्लेंट डालकर, कंज्यूमर कोर्ट में इसकी कंप्लेंट डालकर उसका हर्जाना ले सकते हैं, जहां आपको अपनी कंप्लेंट से जुड़े सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट हुआ है, ट्रीटमेंट का बिल, टेस्टों का बिल, जो आपने इसकी शिकायत की थी FIR की कॉपी, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को आपने इसकी कंप्लेंट की थी उसकी कॉपी, आपका एफिडेविट, इसके अलावा विक्टिम की मेडिकल रिपोर्ट आदि अपनी कंप्लेंट के साथ आपको कंज्यूमर कोर्ट में सबमिट करनी होगी। और हाँ, साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उस कंप्लेंट में
आप उस हॉस्पिटल को और जो उस ट्रीटमेंट में जितने भी डॉक्टर इन्वॉल्व थे उन सभी को बाय नेम पार्टी जरूर बनाइएगा। और साथियों, इसके अलावा जब आप अपने कंपनसेशन क्लेम के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए आपको अपने जो बिल है, जो मेडिकल के, ट्रीटमेंट के या टेस्टों के बिल है, उन सभी के अमाउंट को ले लेना है। इसके अलावा जो आपको इस दौरान मेडिकल हरासमेंट हुई है, जो आपको फ्यूचर इनकम का लॉस हुआ है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको अपने कंपनसेशन क्लेम का अमाउंट डिसाइड करना है। तो साथियों, अब आप समझ ही गए होंगे कि मेडिकल नेग्लिजेंस के दौरान अगर आपको कोई नुकसान होता है तो आप उसका हर्जाना कैसे ले सकते हैं, उस डॉक्टर या हॉस्पिटल को सजा कैसे दिलवा सकते हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कुछ फैसलों के दौरान इन्हें क्लियर किया है। और ऐसा ही एक फैसला दिया था एएस मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए थे और डॉक्टर्स की ड्यूटीज बताई थी, जिसमें सबसे पहले बताया गया था कि डॉक्टर की ड्यूटी बनती है और उसका ये अधिकार भी है कि वह पेशेंट की बीमारी को देखकर डिसाइड करे कि वह उसे हैंडल करेगा या किसी और डॉक्टर को रेफर करेगा। और अगर वो उस पेशेंट को एडमिट करता है तो उस दौरान उस पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट दिए जाएंगे, उनके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इन सभी बातों का उस मरीज को या उसके परिवार वालों को जरूर बताया जाएगा। और जो ट्रीटमेंट है उसकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, अगर कोई भी डॉक्टर इन्हें नेगलेक्ट करता है तो उसे मेडिकल नेग्लिजेंस कहा जाएगा और उसके ऊपर इसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो उम्मीद है साथियों कि अब आप समझ गए होंगे कि मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होता है और इसके लिए पीड़ित के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, वो डॉक्टर को कैसे सजा दिलवा सकता है और साथ ही अपने लिए हर्जाने की मांग वो कैसे कर सकता है। अगर आपकी इससे जुड़ी कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।